में हम अपने इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर को 1952-1990 को कंप्लीट करने वाले हैं और उसमें आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है गाइस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जैसे इसका नाम है ऐसी एक टॉपिक भी है, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का क्या मतलब होता है। कभी आपने किसी का वर्ड सुना है कि ये चिड़ोकली लड़की है? चिड़ोकली का मतलब क्या होता है? बहुत चिड़ती है ना। उसी तरीके से गाइस जैसे इसका नाम है ना ऐसी इंडस्ट्री है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी कि स्मॉल मतलब छोटा, स्केल मतलब पैमाना, छोटे स्केल पर जो इंडस्ट्रीज खोली जाती है उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। बट हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इंडस्ट्री स्मॉल स्केल है या ये इंडस्ट्री लार्ज स्केल पर है? तो गाइज ये अमाउंट के बेसिस पर जज किया जाता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में 1950 की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम लिमिट जो इन्वेस्टमेंट की थी ना गाइज वो कितनी थी? 1,00,000 रुपये। यानी कि अगर आपने 1,00,000 तक का बिजनेस स्टार्ट करा है स्मॉल स्केल का पार्ट है, लेकिन पिछले साल ही हमारे इसमें चेंज लेके आए और 10,00,000 तक, क्योंकि अब महंगाई इतनी बढ़ गई है तो भाई अमाउंट भी तो बढ़ना चाहिए ना। तो पिछले साल ना गाइज इसकी लिमिट 10,00,000 तक बढ़ा दी, यानी कि 10,00,000 तक का अगर बिजनेस है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर आता है, राइट? अब गाइज हम चलते हैं अपने पास्ट में, यानी कि उस समय पर जब 1950 में हम लोगों के हाथ में सारी चीज़ें चेंज करने की आई थी, हमने 5-year प्लान स्टार्ट करे थे, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए हमने क्या किया था? तो गाइज 1955 में ये ईयर याद रखना है गाइज, विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी बनी थी जिसको हम कार्फ कमेटी के नाम से भी जानते हैं। सो ये नेम याद रखना है, कार्फ कमेटी के नाम से जानते हैं गाइज। और इसको सौंपा गया था काम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का। आखिर हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना क्यों था? अभी भी अगर आप देखोगे ना गाइस हमारे देश में एज कंपेरेटिव टू अदर कंट्रीज बहुत कम इंडस्ट्रीज है, लार्ज स्केल भी और स्मॉल स्केल भी। ज़्यादातर अगर आप सिंगापुर से कंपेयर करो, जापान से करो, अमेरिका से करो, चाइना से करो, हमारे यहाँ पे कम इंडस्ट्रीज है। मैं ये नहीं कहती नहीं है, लेकिन है, लेकिन एज कंपेरेटिव टू अदर नेशंस, राइट? तो हमें यानी कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और उस समय पर भी सेम सिचुएशन थी कि इंडस्ट्रीज को डेवलप करना ज़रूरी था, और बेसिकली रूरल जगह पर, रूरल यानी कि गाँव एरिया में गाइस डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अब उस समय पर गाइस हमने इसे क्यों प्रमोट किया था? उस समय पर जब हम 1950s में जी रहे थे तो उस समय एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मेन मुद्दा था, भाई लोगों को रोज़गार मिले, क्योंकि ज़्यादातर लोग किस पर डिपेंड थे उस समय पर? 75% अप्रॉक्स हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, ठीक है, जो कि एक बहुत रिस्की और पूरा का पूरा समय पे मौसम पर एक डिपेंड बिजनेस होता था। सो हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए स्मॉल स्केल को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी था कि लोगों को एक छोटे स्केल पर ही काम करने को तो मिले, यानी कि एक छोटे स्केल पर ही लोग बिजनेस को खोलें और काम करें और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, क्योंकि एक बंदा अगर काम खोलता है तो उससे वो 10 लोगों को आगे काम दे सकता है, राइट? सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उस समय हमारा मेन मुद्दा था, लेकिन इन्हें बचा के चलना भी ना बहुत ज़रूरी था। तो नीड थी हम लोगों को किस चीज़ की गाइस? प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फर्म्स की। बड़ी इंडस्ट्रीज आएगी और वही सामान अगर बनाने लग गई तो भाई वो सस्ते में बनाएगी और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जितने में बना रही है उनका बिकेगा नहीं, क्योंकि अगर बड़ी फर्म्स आएगी गाइस वो लार्ज स्केल पर बनाती है तो उसे जो कॉस्ट पड़ती है लार्ज स्केल की वो कम पड़ती है, क्योंकि हर एक कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है, जिसे हम रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। लाइक उनकी कॉस्ट जो है कम पड़ेगी। और अगर वही चीज़ मार्केट में वो 10 रुपये की लेके आए लेकिन ये लोग 12 रुपये की बना रहे हैं तो इनकी नहीं बिकेगी। इसलिए हमें बिग फर्म से अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बचाना ज़रूरी था। तो क्या किया हमने? रिजर्वेशन कर दी प्रोडक्ट की, यानी कि कुछ प्रोडक्ट्स को रिजर्व कर दिया कि सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बना सकती हैं, बिग फर्म्स या कोई और इंडस्ट्रीज इसे नहीं बना सकता। सेकंड चीज़ गाइस, वेरियस कंसेशन इन्हें हमने दिए। कैसे कंसेशन? यानी कि इन पर कम टैक्स लगाए गए, इनको जो इंटरेस्ट था इनके लोन पर वो कम चार्ज किया गया, बहुत सारे अदर जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी कम कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में उनको जो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस हैं वो कम दिए जाते हैं, है ना? तो इन्हें भी बहुत सारे कंसेशन दिए गए, टैक्स कम लगाए, इंटरेस्ट रेट जो था वो लोन पर वो कम, कि भाई लोन लो काम करो, ठीक है? तो बहुत सारे कंसेशन भी दिए गए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए। तो गाइस ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है बट अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आज के टाइम में भी हमें इसकी ज़रूरत है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होना बहुत ज़रूरी है गाइस, ताकि देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रहे और चीज़ें हमारे देश में बने। सो गाइस आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा
और अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना गाइज, अपने कमेंट्स करना प्यारे प्यारे, और यस अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है, जल्दी से करो। और सेकेंड थिंग गाइज, आप अपने डाउट मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी तबिता मैसी। थैंक यू।